तो ये नेक्स्ट 13 नंबर पेज पे एक एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू जेई मेन एंड नीट आल्सो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये अक्सर आपको एमसीक्यू में मिलेगी। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आमतौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, बट यहाँ पे क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्लोरीन एटम विच आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन देयर माइनस आई इफेक्ट, तो उसकी वजह से एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ओ के साथ एसीटोन की जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका ग्राफ रहेगा, डॉटेड लाइन जो है वो आइडल को शो कर रही है। आप इसके नीचे जाओगे, नेगेटिव का मतलब इसके नीचे जाओगे तो वो आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। ये सेम ही ग्राफ है जो पहले हमने आइडल के लिए बनाया था। यहाँ पे डॉटेड लाइन आइडल के लिए है, सॉलिड लाइन जो है वो नेगेटिव के लिए। ऐसे अगर आप प्लस में जाओगे तो सॉलिड लाइन आप इसके ऊपर बनाओगे। नेक्स्ट करेंगे डिस्कस। अब कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं जो ये डेविएशन शो करेंगे? पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म लाइक CH3X क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, और दूसरा कंपाउंड उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जब वाटर के साथ हम करेंगे तो उसमें नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, नई बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए तभी नेगेटिव डेविएशन होगी। लाइक परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HBr, सल्फ्यूरिक एसिड, HClHi में वाटर ऐड करेंगे तो ये इंटरेक्शन जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। तो वेपर प्रेशर जो है वो 1/1 मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, सच सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग मींस अगर उनका वेपर प्रेशर, हमने दो लिक्विड मिक्स किए और भी और उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो वो मिक्सचर जो बनेगा उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। एजियोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है? एजियोट्रॉप कुछ मिक्सचर्स होते हैं विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कंपोजिशन इज सेम, और यू कैन से जो ऐसा मिक्सचर ए और बी का जो एक कॉन्स्टेंट, एक बॉइलिंग पॉइंट, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो और कंपोजिशन उनकी सेम होती है लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में, एंड उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं रहता। तो सेकेंड इज सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो इसमें इंटरेक्शन ए ए बी बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन ए बी, पी ए नॉट ग्रेटर देन पी ए नॉट होगा, सभी साइन जो है वो ग्रेटर देन, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन, एंड ग्राफ इज यू कैन कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इन दी नेगेटिव द कर्व्स आर लाइंग बिलो द आइडल गैस कर्व्स एंड इन दिस केस द कर्व्स आर लाइंग अबव। दीज आर द एग्जांपल्स, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस टॉलीन, इथेनॉल प्लस बेंजीन, मिथेनॉल प्लस टॉलीन। सो सच सॉल्यूशंस, बिकॉज इन दीज सॉल्यूशंस द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बिकम मैक्सिमम सो बॉइलिंग पॉइंट बिकम मिनिमम, such solutions are also known as minimum boiling azeotropes.